दायक कहानी है जो संघर्ष, मेहनत और दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। आपने एक छोटे से गांव से मुंबई जैसे बड़े शहर में आकर अपने सपने को पूरा करने की जो यात्रा बताई है वह बहुत ही प्रेरणादायक है। यशस्वी जायसवाल की तरह कई लोग बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। यदि इस कहानी को वीडियो के रूप में प्रस्तुत किया गया है तो ये यकीनन बहुत सारे लोगों को प्रेरित करेगी और दिखाएगी कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो उन्हें इसे लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहना एक अच्छा तरीका है ताकि और भी लोग इस प्रेरणादायक कहानी से जुड़ सकें। आपका यह अनुभव और कहानी दर्शकों को दिखाएगी कि कैसे संघर्ष के बाद भी सपने पूरे हो सकते हैं। यूपी में एक छोटा सा गाँव है, सूर्य गांव, और गांव में मेरे पापा की एक हार्डवेयर की दुकान है। और एक छोटी सी उम्र में मैंने बहुत बड़ा सपना देखा, क्रिकेटर बनने का। मुंबई को सपनों का शहर कहते हैं, मगर है तो शहर ही ना। रेंट, बिजली का बिल, पानी, छत, बस का भाड़ा और ट्रेन की टिकट कोई बताता नहीं, लेकिन सपनों पर भी MRP लगती। एक दिन आजाद मैदान में किसी ने कहा, एक अच्छी इनिंग खेल ले, ग्राउंड पे टेंपू हो जाएगा, गेम कोई भी हो, जान मैं पूरी लगाता हूँ। फाइनली हेलमेट निकाला और कोच ने नोटिस किया और बोला, आज से बाकी सब बंद, तुम सिर्फ खेल। तो फिर क्या लगा दिए मैंने चौके छक्के। सूर्या गांव से मुंबई आया था मौके की तलाश में, अब जो मिला है छोड़ूंगा नहीं। यशस्वी जायसवाल।